आजाद साहब कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, अगर जलता होता तो सबसे पहले आपने अपने एमपीओ का डेलीगेशन वहां भेजा ही होता और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जरूर की होती, फोटो भी निकलवा दी होती। और इसलिए मुझे लगता है कि आजाद साहब की जानकारी 2014 के पहले की है। और इसलिए मैं अपडेट करना चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट अभूतपूर्व शांति के साथ आज भारत की विकास यात्रा का एक अग्रिम भागीदार बना है। चालीस चालीस पचास पचास साल से नॉर्थ ईस्ट में जो हिंसक आंदोलन चलते थे, ब्लॉकेड चलते थे, और हर कोई जानता है कि कितनी बड़ी चिंता का विषय था, लेकिन आज वे आंदोलन समाप्त हुए हैं, ब्लॉकेड बंद हुए हैं और शांति की राह पर पूरा नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ रहा है। मैं एक बात का जरूर उल्लेख करना चाहूंगा, करीब करीब 25-30 साल से ब्रू जनजाति की समस्या, आप भी वाकिफ हैं, हम भी वाकिफ हैं, करीब 30,000 लोग अनिश्चितता की जिंदगी जी रहे थे। इतने छोटे से कमरे में, वो भी एक छोटा सा हट बनाया हुआ टेम्पररी, इसमें 100-100 लोगों को रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। 3-3 दशक तक यातनाएं कम नहीं है, और गुनाह कुछ नहीं था उनका। और मजा देखिए, नॉर्थ ईस्ट में बहुतेक आप ही के दल की सरकारें थी, और त्रिपुरा में आपके साथी दल की सरकार थी, आपके मित्र थे, प्रिय मित्र। आपने चाहा होता तो मिजोरम सरकार आपके पास थी, त्रिपुरा में आपके मित्र बैठे थे, केंद्र में आप बैठे थे। अगर आप चाहते तो ब्रू जनजाति की समस्या का सुखद समाधान ला सकते थे, लेकिन आज इतने सालों के बाद उस समस्या का समाधान और स्थायी समाधान करने में हम सफल हुए हैं। मैं कभी सोचता हूं कि इतनी बड़ी समस्या पर इतनी उदासीनता क्यों थी, लेकिन अब मुझे समझ में आना लगा है कि उदासीनता का कारण यह था कि ब्रू जाति के जो लोग अपने घर से, गांव से बिछुड़, उनको बर्बाद कर दिया गया था, उनका दर्द तो असीमित था, असीमित दर्द था, लेकिन वोट बहुत सीमित था। और ये वोट का ही खेल था जिसके कारण उनके असीमित दर्द को हम कभी अनुभव नहीं कर पाए और उनकी समस्या का हम समाधान नहीं कर पाए। ये हमारा पुराना इतिहास है, हम न भूले। हमारी सोच अलग है, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर के पूरी जिम्मेवारी और संवेदना के साथ जो भी हमसे बन सके हम समस्याओं को सुलझाने में लगे हुए हैं, और हम उनकी तकलीफ को समझते हैं। आज बड़ा गर्व कर सकता है देश कि उन 30,000 लोगों को अपना घर मिलेगा, अपनी एक पहचान बनेगी, अपनी एक जगह मिलेगी, वो अपने सपने बुन पाएंगे, अपने बच्चों के भविष्य को वो तय कर पाएंगे। और इसलिए ब्रू जनजाति के प्रति, और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं के समाधान के रास्ते हैं, मैं बोडो के संबंध में विस्तार से कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन वह भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है।
और उसकी विशेषता है सभी हथियारी ग्रुप, सभी हिंसा के रास्ते पर गए हुए ग्रुप एक साथ आए और सबने एग्रीमेंट में लिखा है कि इसके बाद बोडो आंदोलन की सभी मांगे समाप्त होती है, कुछ बाकी नहीं, ये एग्रीमेंट में लिखा है। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।